हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले बहुत सारी वीडियो प्रश्नावली 1.1 का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, आप जाके चेक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 मैथ्स के नाम से आप खोजेंगे तो वहां भी बहुत सारा क्लास 8 का मैथ्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके सारी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि जो भी हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे कि 6 का ए में दिया हुआ है 2/5, तो ये जो 2/5 है इसका तीन क्या लिखना है, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। बहुत आसान होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत ही ईजी है। आपको समझना है कि 2/5 जो दिया हुआ है हम लोग पास में, सॉरी 2/5 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में 2/5, इसका क्या करना है, इसका तीन समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग तीन बार ऐसा ही लिख देंगे रेंडमली, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख दिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग को परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में क्या करते हैं, सेम नंबर से हम लोग उसको गुणा करते हैं और जो नंबर मिलता है वो पहले नंबर का समतुल्य होता है। नहीं समझ में आया, समझा रहे हैं। देखिए 2/5 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। इसको सेम नंबर से 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 10, 4/10 हो गया। सेम काम यहाँ करेंगे, 2/5 है, इसी नंबर को सेम नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। इसी तरीके से 2/5 है, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे रहना चाहिए सेम नंबर, 4/4 से कर देते हैं 8/20 हो जाएगा। ये तो 3 हो गया, 2/5 का 3 समतुल्य नंबर मिल गया, ठीक है। अगर 5 बोले तो ऐसा 5 नंबर लिख लेना है, ठीक है। हम लोग अतः करके क्या ले सकते हैं, यह था 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या है। क्या क्या हो जाएगा उसे लिखना है, 4/10 हो जाएगा, 6/15 हो जाएगा तथा एक 8/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर पहला का, पहला 6 नंबर का एक आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 6 का बी। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, साथ में अपना कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है, तभी आपका एक्चुअल पढ़ाई होगा। अदरवाइज सिर्फ आप जिस तरह का कोई कॉमेडी वीडियो होता है या एंटरटेनमेंट वीडियो होता है उस तरह का आप देखेंगे या देख के चले जाएंगे तो कुछ सीखने वाले नहीं है, ठीक है। अगर एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है 5/-7, ठीक है, इसको भी हम लोग बना लेंगे, बहुत ईजी है। 5/-7 फिर से हम लोग को 3 निकालना है तो 3 बार ए नंबर को लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो नंबर लिखे हैं पहला बार उसको हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, 5 × 2 = 10 है ना, 5 × 10 = 7 × 14 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 5/-7 को दूसरे नंबर से गुना कर लेते हैं 3 से, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7 × 21 माइनस में होगा, ठीक है, ध्यान रखना है माइनस प्लस का। इसी तरह तीसरा जो नंबर है उसको 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 5 × 20 और 7 × 28 हो जाएगा। ये जो 3 नंबर आया हुआ है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है 5/-7 का तीनों, ये क्या बोलते हैं इसको, समतुल्य नंबर है ना, 3 समतुल्य नंबर है। तो हम लोग लास्ट में फिर से लिख सकते हैं कि अतः क्या 5/-7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे, 10/-14, 15/-21 तथा 20/-28 ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/8 है सी में, सी में कितना बनाना है, 3/8, इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सारा नंबर हम मिटा देते हैं, इसको रहने देंगे, ठीक है, सी नंबर बनाने जा रहे हैं 3/8 हम लोग पास में, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन जो है 3/8, इसको भी क्या करेंगे, इसका भी 3 परिमेय संख्या निकालेंगे, 3 बार लिख देते हैं इसको भी, है ना, 3 बार हम लोग क्या किए, इसको भी लिख दिए। तो जो पहला बार लिखे हैं उसको ऊपर नीचे 2-2 से गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद जो आएगा 3×2 = 6, 8×2 = 16, है ना, ये आ गया। इसके बाद फिर से जो दूसरे बार नंबर लिखे हैं उसको 3-3 से गुना कर देंगे, तो 3×3 = 9 और 8×16 = 24 हो गया, ठीक है।
और जो तीसरा बार लिखा हुआ है 3/8 इसको हम लोग क्या करेंगे, चार चार से गुना कर लेंगे, 4 × 12 = 8, 16 = 24 हो जाएगा, 8, 16 + 24 = 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है 3/8 का 3 संतुल्य परिमेय संख्या है, क्या क्या हो जाएंगे 16, 6/16, 9/24 तथा 12/32, ये सारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सी नंबर भी बना लिए। एक बचता है क्वेश्चन नंबर डी, जो कि हम छोड़ेंगे आप लोग के होमवर्क के लिए, ठीक है, -2/-3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है 2/3 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। दो माइनस माइनस थ्री क्या क्या है, -2 और -3 ये दोनों जो संख्याएं हैं मिलकर क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, बता रहे कहीं पे ना, यहाँ पर देखिए -2/-3 है, तो ये जो माइनस और माइनस है कट के क्या हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका तीन नंबर से 3 इसका निकाल देंगे, ठीक है, परिमेय संख्या आराम से वो निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो चैनल पर कंटिन्यू हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू डाला जा रहा है ताकि आप लोग को गर्मी का छुट्टी मिला हुआ समर वेकेशन में आपको किसी भी तरह का पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।